गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मौली, संजीव, मंजू, निखिल। सो वेलकम, जुड़ जाइए सेशन में और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का जो हमारा पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि सिलॉग्स है, वेन डायग्राम है, और काउंटिंग द फिगर्स है, फिगर्स को किस तरह से काउंट करते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स आज हमारे पास रहेंगे। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं उसके अंदर सिलॉग्स के पार्ट के बारे में। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, सभी लोग सेशन में जुड़ जाइए। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलॉग्स। ठीक है, चलिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जाना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसके क्वेश्चंस किस तरह से हम बेस्ट अप्रोच से कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे और बोला था भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर करना। तो इन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। सभी का क्लास होगा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हम वन बाय वन सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या किया, जरा मुझे एक बार यहाँ पे बताएं। जो भी मैं बताता हूँ क्लास में और उसके ऊपर भी जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको किया करो, ठीक है, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। क्या इसका आंसर किया बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा था डिफरेंस बिटवीन दी एस आई एन सी आई, यानी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 फॉर 2 ईयर्स इज 147। यानी कि वी हैव द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज ₹147। दिस इज फॉर टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑन एन अमाउंट, यानी कि कितने पैसों पे लगाया गया है, ये लगाया गया है भाई 30,000 रुपीज़ में, यानी कि 30,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, 7%। ओके, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, दैट इज सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर बाई 100 टू दी होल पावर 2। जब भी 2 साल का टाइम पीरियड की बात हो और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का आपको डिफरेंस गिवन हो और आपको प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। यू नो दैट द डिफरेंस इज 147 एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज 30,000 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो दिस विल बी आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी 10,000 एंड द वैल्यू ऑफ आर विल बी वॉट, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 47, यानी कि 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 47, 7%। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 साल के लिए आएगा तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, तो उसको आपको अप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको दिया था एक और, ये क्वेश्चन, इसका आंसर किस किसने किया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। कह रहा सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर्स, यानी कि जो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ ना, वो 16 टाइम्स हो जाता है, यानी 16 गुना हो जाता है 2 साल के पीरियड में इन 2 ईयर्स। देखो अगर मैं पी पैसे को इन्वेस्ट करूँ, वो 2 साल के बाद आफ्टर टू ईयर्स 16 टाइम्स बन जाता है, दिस इज 16 टाइम्स ऑफ पी।
पिछले वाले का आंसर 7 होगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 49 दैट विल बी 7%। हाँ रूट के अंदर 49 है। ये क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है अगर मैं कुछ पैसे को इन्वेस्ट करता हूं तो वो 2 साल के पीरियड में 16 टाइम्स हो जाता है इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये चीज मैंने आपको बताई है, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आधा हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर द टाइम पीरियड विल बी 4, क्योंकि 2 साल की बात है तो टाइम डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी आर बाई 2%। आगे देखो, अगर कह रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 27 टाइम्स इफ कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि अगर उतने ही पैसे को इन्वेस्ट करें तो कितना समय ये लेगा, कितना टाइम लेगा अगर इसका मुझे 27 टाइम्स पैसा बनाना है तो। अगर यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब जितना भी टाइम है उतना भी रेट है, जो नॉर्मली जो हम लोग लगाते हैं वही लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सबसे पहले हमें पहली वाली इक्वेशन यहाँ पे बनानी चाहिए, वी नो द प्रिंसिपल अमाउंट इज दिस एंड दिस इज द अमाउंट, दिस इज कॉल्ड अमाउंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल मनी। देखो एक ही फॉर्मूला आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू दी पावर टाइम, ये फॉर्मूला है। अमाउंट की जगह लगाओगे आप 16 टाइम्स ऑफ पी, और जो पैसा लगाया है इन्वेस्टेड पैसा है दिस इज पी, 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी R/2 × 200। ऐसा क्यों किया? बिकॉज इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर, जो टाइम पीरियड है दिस विल बी 4, टाइम विल बी 4। तो यहां से अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे यू विल गेट व्हाट, 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, दिस इज R/200। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 2 - 1 इज इक्वल टू R/200। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 200%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है यहां से निकल के दैट इज 200%। अब इस 200% को आप यहां पे अप्लाई करोगे, क्या आ रहा है, 3 ईयर्स आ रहा है, अभी देखते हैं। सेम फॉर्मूला अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे, अमाउंट इज 27 टाइम्स ऑफ पी, और जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो तो पी ही है, दिस इज 1 + R/100 टू द पावर टी, पी और पी तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बात करते हैं आर की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200%, तो यहां पे आप अप्लाई करो इसको 200% / 100 टू द पावर टी, दिस विल बी 27। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, और दिस इज 1 + 2 यानी कि 3 टू द होल पावर टी। ये दिख रहा है इक्वेशन, इक्वेशन आपके सामने बन के आ गया, 1 + 2 दिस विल बी 3 टू द पावर टी। अगर बेस सेम है तो भाई पावर भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि 3 साल के पीरियड में ये चीज ऐसा होगा, 3 साल के पीरियड में ये जो पैसा है हमारा 27 टाइम्स बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताएं एक बार। कोई दिक्कत समस्या किसी को? हाँ ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं सिलॉक्स के बारे में, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलॉजिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कि आखिरकार सिलॉक्स क्या है, हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। क्या कह रहा है, देखो, द वर्ड सिलॉजिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर अ लॉजिकल इन्फ्रेंस दैट एरिस्टोटल यूज टू मेक फॉर वैलिड आर्ग्यू।
यानी कि पहली बात तो है सिलोजिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका एक्चुअल में मतलब क्या है, वैलिड आर्ग्यूमेंट, यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड है यानी कि सही है, उसको चेक करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं सिलोजिज्म। ठीक है, दिस मीन्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि सिलोजिज्म में आपको याद रखना है कि इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड नॉट एज्यूम थिंग्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन बिलीव्स, यानी कि जो भी आपके कॉमन बिलीव्स हैं पहले से उनको आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल से लो, जैसे कि मैं कहता हूँ ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि सारे के सारे जो मैंगो हैं वो किसका पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है, वो फ्रूट के अंदर ही सारे के सारे मैंगो आते हैं। बट ये चीज़ आपका जो कॉमन बिलीफ है उसके थ्रू आप इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हो, पर जब आप क्वेश्चंस करोगे वहां पे अगर कहीं भी इस तरह का आपको कंक्लूजन पूछता है ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, तब आपको ये चीज़ हाँ नहीं कहनी है अनटिल अनलेस आपको उस डायग्राम में उस क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना दिख रहा हो तो। यानी कि कहने का मतलब इतना सा है, जो आपके कॉमन बिलीव्स हैं उसको रखना है साइड में, जस्ट यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ बहुत सी बच्चों को परेशान करती है कि भाई ये जो उनके जो कॉमन बिलीव्स हैं उनको वो अप्लाई कर देते हैं जिससे क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। जस्ट यू हैव टू बी फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका आंसर उसी के ऊपर बेस देना है, ना कि अपना खुद का दिमाग लगाना है या कॉमन बिलीव्स का यूज कर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो तो सिलॉक्स को करने के लिए, सिलॉक्स को जो हमारे वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए वी हैव टू मेक दी डायग्राम्स, हमको यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसीलिए सिलॉक कैन बी सॉल्व बाई डूइंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे वैन डायग्राम्स बनाएंगे, वी विल यूज दी वैन डायग्राम। ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ दी वैन डायग्राम्स वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ना आखिरकार क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है, यानी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। देखो सिलॉक्स के क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें होती हैं, पहली चीज स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज कंक्लूजन, यानी कि आपको क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा आपसे ये आपके पास चार स्टेटमेंट हैं, इन चार स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है आपको उसका यूज करना है, और जो नीचे दिए गए कंक्लूजन है उस कंक्लूजन में देखना है क्या ये ठीक है या वो गलत है, क्या ये कंक्लूजन फॉलो करते हैं, वैलिड हैं या इनवैलिड है, उसकी वैलिडिटी और उसके जो इनवैलिड नेचर है उसको आपको डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है बस मान के चलो उतना ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो भी आपके थॉट्स हैं जो भी आपके बिलीव्स हैं उसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जस्ट यू हैव टू स्टिक टू दी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन की अगर बात करी जाए तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी आपके ऐसे दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू, स्टेटमेंट नंबर थ्री, कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन हो सकते हैं, यू हैव टू कंक्लूजन। ठीक है, देयर आर थ्री स्टेटमेंट एंड देयर आर टू कंक्लूजन। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखा है उस स्टेटमेंट के आपको पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक दी वेन डायग्राम ऑफ दी स्टेटमेंट। एक बार आपका स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन जाएगा तो आपको एक एक कर उन कंक्लूजन्स को वेन डायग्राम को देखते हुए आपको क्या करना है, उसको वैलिड या इनवैलिड प्रूव करना है कि वो वैलिड है या नहीं है, अगर वैलिड है तो ठीक है, इनवैलिड है तो गलत, वैलिड है तो ठीक है, इनवैलिड है तो गलत। उसके बाद आपको चेक करना है उन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शंस में कुछ इस तरह से बोलेगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, क्या कंक्लूजन नंबर केवल वन फॉलो कर रहा है, अगर ऐसा है कि कंक्लूजन नंबर वन फॉलो कर रहा है दूसरा वाला गलत है, जस्ट यू हैव टू टिक दैट क्वेश्चन, टिक दैट ऑप्शन। अगर
ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, तो आपको सेकंड वाले पे टिक लगाना है। थर्ड ऑप्शन देगा बोथ कंक्लूजन विल फॉलो, यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इसको टिक करना है। ये ऑप्शन नंबर फोर देगा, ये दे सकता है कि नन नन विल फॉलो, यानी कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ऐसा आपको ऑप्शन दे सकता है। हो सकता है ये ऑप्शन दे दे आइदर और, आइदर वन और टू फॉलो। आइदर और आइदर वन और टू का मतलब क्या होता है सुन लो, आइदर वन और टू का मतलब है या तो पहला वाला फॉलो करेगा या दूसरा वाला। कभी कभी स्टेटमेंट में हमें जो स्टेटमेंट के साथ जो कंक्लूजन दिए गए होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि या तो पहला वाला पॉसिबल है या तो दूसरा वाला पॉसिबल है, यानी कि दोनों में से एक तो पॉसिबल है ही, यानी कि इस तरह से आपसे पूछेगा आइदर वन और टू विल फॉलो। ठीक है, इतना सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि वेन डायग्राम को कैसे बनाना है और वेन डायग्राम में और क्या क्या चीजें हैं। देखो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, जो टाइप है हमारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट, अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो तरह के स्टेटमेंट आपके पास निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि जिसके अंदर पॉजिटिविटी दिखती है, यानी कि इसमें नो नेवर ऐसे वर्ड का यूज कभी भी नहीं होगा कि नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं, इस तरह के वर्ड का यूज कभी भी नहीं होगा। तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव, जैसे कि सम हो गया, ऑल हो गया, इन वर्ड्स का यूज होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन अगर बात करें सम के साथ अगर नॉट जुड़ जाए, यानी कि निगेटिविटी जुड़ जाए, इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव स्टेटमेंट। नो हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए का जो पार्ट है वो बी का पार्ट नहीं है, तो भाई जहां भी नॉट आ जाएगा ना, यानी कि ये क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। वैसे ही पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम ऑल हो गया, इसके भी और हमारे पास अल्टरनेट कुछ वर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है हमेशा सम बोले या ऑल बोले तभी पॉजिटिव होगा, और भी हमारे पास कुछ ऐसे यहाँ पे इसके अल्टरनेट वर्ड्स हैं जो कि आप अपने स्टेटमेंट में देख सकते हो, जैसे कि ये हो गया। सम की जगह आपको कभी कभी ऐसा भी दे सकता है क्या, फ्यू। अगर कहीं पे कह रहा है सम सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है, चाहे बोले क्यू ए आर बी, अगर बोल रहा है सम ए आर बी या बोल रहा है क्यू ए आर बी, दोनों एक ही बात है, दोनों का डायग्राम एक जैसा बनेगा। कैसा, इस तरह से सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए का पार्ट जो है वो बी का पार्ट है, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा, ए का कुछ पार्ट बी के पार्ट में यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। क्यू ए आर बी बोलेगा तब भी इसका सेम डायग्राम बनेगा, यानी कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है। उसी तरह से और भी हमारे पास अल्टरनेट वर्ड्स हैं सम के लिए, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट ऑल, मैनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मोर, जनरली। इन सबको याद नहीं रखने हैं आपको, एक एक वर्ड को आपको जब क्वेश्चन जब करेंगे ना, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये तो हो गए फ्यू के लिए, सम के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर ऑल। ऑल के लिए भी कुछ अल्टरनेट वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑल को हम ईच भी बोल सकते हैं, एवरी भी बोल सकते हैं, एनी बोल सकते हैं, ऑनली बोल सकते हैं, और 100% यानी कि सारा कुछ, इट इज द ऑल्टरनेट वर्ड्स ऑफ ऑल। और देखो अब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ गए, सम नॉट, सम नॉट जहां भी आएगा उसकी जगह हम हार्डली भी यूज कर सकते हैं, और सेल्डम वी कैन यूज दीज स्टेटमेंट्स। फॉर नो वी कैन यूज नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन, दीज आर दी ऑल अल्टरनेट वर्ड्स फॉर नो। ठीक है, तो ये चार तरह के आपके पास वर्ड्स हैं।
क्योंकि बार 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 आपके स्टेटमेंट्स में यूज होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब चीज़ें तो हमने देखी हैं, बट डायग्राम कैसे बनाना है? क्या डायग्राम अपनी तरह से बनाना है या उसका कोई तरीका है बनाने का? देखो, मैं पहले आपको कुछ बता दूं कि हाउ टू मेक दी वेन डायग्राम, कि वो चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कहीं पे बोलता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, जहां भी ऐसे बोलेंगे ना कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है, देन यू विल ड्रॉ लाइक दैट, यानी कि सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है, ठीक है? तो ये आपका डायग्राम होना चाहिए इस तरह से। दिस इज कॉल्ड सम ए आर बी। सेकेंड वन इज ऑल ए आर बी। ऑल का मतलब सारा का सारा जो ए है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है। इसका मतलब अगर सारा का सारा ए बी है तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। बी वाला जो पार्ट है वो बड़ा होगा और उसके अंदर सारा का सारा ए होगा, यानी कि ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी के अंदर आएगा। सो वी विल ड्रॉ लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाना है ऐसे। नंबर थ्री, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है, यानी कि सम ए आर नॉट बी। तो उसको आप इस तरह से बनाओगे, ए को यहाँ पे, बी को यहाँ पे। अब कुछ जो ए का पार्ट है, मान लो इतना जो पार्ट है ए का, तो इस तरह से शेड कर दो। ये बी का पार्ट क्या है? इससे बी का रिलेशन नो का रिलेशन, यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो शेड किया है मैंने, ये कभी भी बी के पार्ट में नहीं जा सकता। तो एक चीज यहां पे ध्यान देना है, अगर ये वाला जो पार्ट है, कुछ जो ए का पार्ट है, वो बी के पार्ट में अगर नहीं जा सकता, तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज नहीं सोच सकते कि बाकी का जो पार्ट है ए का वो बी का पार्ट होगा। अगर इतना पार्ट ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट बी का पार्ट होगा या नहीं होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। ये पार्ट हो भी सकता है, ये पार्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है? अपने मन से ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई ए का पार्ट अगर ये वाला पार्ट बी का पार्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ पार्ट है वो बी का पार्ट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया है साफ साफ, तब तक इसका जो कंक्लूजन होगा दैट विल ऑलवेज निगेटिव, यानी कि तब तक वो आर्ग्यूमेंट हमारा वैलिड नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना। बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि भाई क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि सम ए आर नॉट बी, ऐसा बोल रखा है और कंक्लूजन हमको दे रखा है सम ए आर बी। अब कहते हैं भाई यहाँ पे तो सर लिखा है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब जो बाकी का सम जो कुछ पार्ट है वो ऑटोमेटिकली बी का पार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन ठीक हो जाएगा, जो कि गलत है। कंक्लूजन ये तब भी गलत होगा जब तक कंक्लूजन में साफ साफ नहीं बोला गया कि कुछ ए का पार्ट बी का पार्ट है, या इनडायरेक्टली हमको नहीं दे रखा है कुछ, देन वी कांट से इट इज ट्रू, तब तक वो ट्रू नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान देना। नेक्स्ट, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, और क्या कर सकते हो? नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब कोई भी ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है। अगर कोई भी ए का पार्ट बी का पार्ट नहीं है, यानी कि ए एंड बी, ए और बी में बिल्कुल नो का रिलेशन है, यानी सारा का सारा ए या हम कहें सारा का सारा बी एक दूसरे के पार्ट में कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा, यानी कि कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं रखेगा, यानी कि नो का रिलेशन सीधा सा, ठीक है? सम ए मे बी बी, सम ए मे बी बी, ये जो पॉसिबिलिटी की जो स्टेटमेंट है ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो मे बी हो गया या पॉसिबिलिटी या कैन बी, इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट्स। उसकी
बात हम बाद में करेंगे क्योंकि उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? तो ये चीजें हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो बस घुमा फिरा के चार ही इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, सम, ऑल, सम नॉट एंड नो। देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं ऑल ब्लू आर पर्पल, यानी कि सारा का सारा जो ब्लू का पार्ट है वो पर्पल का पार्ट होना चाहिए। सम पर्पल आर नॉट वाइट, ऑल वाइट आर ब्लैक, यानी कि दीज आर थ्री स्टेटमेंट्स। ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट से आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद यू हैव टू फॉलो दीज टू कंक्लूजन, इन दोनों कंक्लूजन्स को आपको फॉलो करवाना है एक एक करके। जो भी वैलिड है वो सही है, जो इनवैलिड है वो गलत है। इस तरह से आपको बताना है कि दोनों कंक्लूजन्स में से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। करिए इसको जरा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाए। ऑल ब्लू आर पर्पल, ऑल ब्लू आर पर्पल, दिस इज ब्लू दिस इज पर्पल। सम पर्पल आर नॉट वाइट, यानी कि कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो वाइट का पार्ट नहीं है, कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो वाइट का पार्ट नहीं है। तो केवल इसने प्योरली पर्पल बोला, यहाँ पे कोई पर्पल के साथ ब्लू की बात नहीं करी गई है। तो आप केवल पर्पल वाला पार्ट लोगे, ऐसा पार्ट नहीं लेना है जिसमें पर्पल और ब्लू दोनों आ रहा हो। जस्ट पर्पल की बात करिए तो पर्पल का कुछ पार्ट वाइट का पार्ट नहीं है, लाइक दिस। देन ऑल वाइट आर ब्लैक, सारा का सारा जो वाइट का पार्ट है वो क्या है, ब्लैक का पार्ट है, ठीक है। ऑल वाइट आर ब्लैक, दिस इज ब्लू दिस इज ब्लैक, इस तरह से। नाउ यू हैव टू फॉलो दीज टू कंक्लूजन, डायग्राम बन गया। अब एक एक करके कंक्लूजन को देखना है। कह रहा सम पर्पल आर ब्लू, कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो ब्लू का पार्ट भी है क्या? भाई कुछ पर्पल का पार्ट ब्लू का पार्ट तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि पर्पल और ब्लू आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, साफ साफ हमको दिख रहा है। यानी कि सम पर्पल आर ब्लू, ये एकदम ठीक है। इज इट क्रिस्टल क्लियर? ये बात समझ में आती है कि सम पर्पल आर ब्लू, दिस इज राइट, क्योंकि सारा कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो ब्लू का पार्ट ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि पर्पल के अंदर ही तो ब्लू है। बोथ आर ट्रू, ओके। नेक्स्ट देखो, सम वाइट आर नॉट ब्लू, यानी कुछ जो वाइट का पार्ट है वो ब्लू का पार्ट नहीं होगा। इस चीज को देखो भाई, वाइट का पार्ट ब्लू का पार्ट नहीं होगा ऐसा कहना तो गलत है, क्योंकि वाइट, देखो ये जो पर्पल का कुछ पार्ट है ना, इसका रिलेशन वाइट से नो का रिलेशन है, यानी कि इतना पर्पल का पार्ट वाइट का पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन बाकी का जो पर्पल का पार्ट है वो वाइट का पार्ट तो हो सकता है ना, पॉसिबल तो है। ऐसा कहना कि कुछ वाइट का पार्ट ब्लू का पार्ट नहीं होगा ऐसा कहना तो गलत है। अगर वो पॉसिबिलिटी के केस में ऐसा हो पा रहा है, यानी कि फिर ऐसा कंक्लूजन्स निकालना एकदम गलत है, यानी कि दिस विल बी रॉन्ग। ओनली कंक्लूजन नंबर वन विल बी फॉलो, सम वाइट आर नॉट ब्लू, ऐसा कहना एकदम गलत है। ओनली एंड ओनली कंक्लूजन नंबर वन विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? देखो इस जो वेन डायग्राम है, जो आपका सिलॉक्स वाला पार्ट है, इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं शुरू में अभी बता दे रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए शुरू शुरू में, बट विद प्रैक्टिस आप बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ लोगे। ऑल ब्लू आर पर्पल, सारा का सारा जो ब्लू है वो पर्पल का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ पे कुछ पर्पल का पार्ट वाइट नहीं है, अगर सारा का सारा पर्पल वाइट नहीं होता तब ये वाला कहना स्टेटमेंट, ये वाला कंक्लूजन कहना एकदम सही होता कि भाई कुछ जो वाइट का पार्ट है वो ब्लू नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सारा का सारा पर्पल वाइट का पार्ट नहीं होता। बट सारा का सारा नहीं कह रहा है, कह रहा कुछ जो पर्पल का पार्ट है वो वाइट का पार्ट नहीं है,
बाकी का पर्पल का पार्ट व्हाइट का पार्ट तो हो सकता है ना, यानी कि कुछ व्हाइट का पार्ट ब्लू का पार्ट ये पॉसिबल है। तो ऐसा कंक्लूजन निकालना, साफ साफ बोल देना कि कुछ व्हाइट का पार्ट ब्लू का पार्ट नहीं होगा, दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि ओनली कंक्लूजन नंबर वन विल बी वैलिड। इज इट क्लियर नाउ? चलो कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यू हैव थ्री कंक्लूजन्स एंड यू हैव फोर ऑप्शंस। चलिए एक एक करके ट्राई करिए, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके मैं बताऊंगा, करें इसको। ऑप्शन ए, ओके, ओनली कंक्लूजन थर्ड विल फॉलो। सबसे पहले आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है विद दीज टू स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, ओके, ऑल राइट, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है ऑल सिटीज आर टाउन, यानी कि सारे की सारी जो सिटीज हैं वो टाउन है। ऑल सिटीज आर टाउन, सम सिटीज आर विलेज, सम सिटीज आर विलेज, कुछ जो सिटीज हैं वो विलेज है। हमसे कह रहा है ऑल विलेजेस आर टाउन, सारे के सारे जो विलेज हैं वो टाउन का पार्ट है क्या, या सारा वी का पार्ट टी के अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, यानी कि दिस विल बी रॉन्ग। नो विलेज इज टाउन, कोई भी विलेज का पार्ट टाउन का पार्ट नहीं है। दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग, कि कोई भी विलेज का पार्ट टाउन का पार्ट नहीं है, पर यह है तो कुछ विलेज का पार्ट टाउन का पार्ट है, तो ये नो कह रहा है कि कोई भी विलेज टाउन के अंदर नहीं आएगा, पर एक्चुअली में तो आ रहा है, ये भी गलत। सम विलेज आर टाउन, कुछ विलेज का पार्ट टाउन का पार्ट है, ये एकदम ठीक है, ये हमको डायरेक्टली दिख भी रहा है, यानी कि ओनली कंक्लूजन नंबर थ्री विल बी फॉलोड, ठीक है। Only conclusion three will be followed. बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। अगला सवाल, ऑल ट्रीज इज मैंगो, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, सम ऑरेंज इज पपाया। करिए इसको, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बी भी आ रहा है आंसर, ओके, चलो ऑल राइट। अब देख लें इस क्वेश्चन को, आई होप आपने इसका पहले तो वेन डायग्राम बनाया होगा और फिर एक एक करके कंक्लूजन्स को फॉलो करवाया है। यहाँ पे ओनली कंक्लूजन वन, ओनली कंक्लूजन टू,
आइदर और वाला भी यहाँ पे ऑप्शन है, और नीदर वाला भी है कि नाइदर वन नॉर टू। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑल ट्रीज इज मैंगो, यानी कि सारे के सारे जो ट्री हैं वो मैंगो का पार्ट है। ऑल ट्री इज मैंगो लाइक दिस, देन ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज लाइक दिस, सम ऑरेंज इज पपाया, सम ऑरेंज इज पपाया यानी कि लाइक दिस। ये तो हो गया आपका वेन डायग्राम। नाउ ऑल मैंगो आर ट्री, यानी कि सारा का सारा जो मैंगो है वो क्या है, ट्री का पार्ट है। ऑल मैंगो का पार्ट ट्री का पार्ट है, ये तो भाई बिल्कुल गलत है। ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ना मैंगो का, ये भी ट्री के अंदर है क्या? ये तो नहीं है। तो सारा का सारा मैंगो ट्री के अंदर कैसे आ जाएगा? इट विल बी रॉन्ग। सम पपाया आर ट्री, सम पपाया आर ट्री, कुछ पपाया का पार्ट ट्री का पार्ट है। पर ट्री का पार्ट तो यहाँ पे है, पपाया का पार्ट यहीं तक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी कि दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि नाइदर वन नॉर कंक्लूजन नंबर टू विल बी फॉलो, दोनों गलत है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना ही कोई इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल म्यूजिक आर वॉर, नो वॉर इज क्वीन, नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, कंक्लूजन इज सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट। करिए इसको। हाँ, उसका आंसर डी है, इसका आंसर करें। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? एनीवन और बताइए। सी और ए के बीच में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आप लोगों को। चलो देखते हैं, कह रहा है ऑल म्यूजिक आर वॉर, यानी कि सारे के सारे जो म्यूजिक है वो वॉर का पार्ट है, यानी ऑल म्यूजिक आर वॉर, ऑल म्यूजिक आर वॉर, नो वॉर इज क्वीन, नो वॉर इज क्वीन, यानी कि क्वीन और वॉर के बीच में नो का रिलेशन है, यानी कोई भी वॉर और क्वीन का पार्ट आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर सकता, नो का रिलेशन है। नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, कोई भी म्यूजिक का पार्ट फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है, नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट, दिस इज द वेन डायग्राम। नाउ कंक्लूजन हमसे कह रहा है सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, कुछ जो म्यूजिक का पार्ट है क्वीन का पार्ट नहीं है, ये एकदम ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि सारा का सारा वॉर का पार्ट क्वीन का पार्ट अगर नहीं हो सकता, तो वॉर के अंदर जितने भी पार्ट होंगे वो क्वीन का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा का सारा जो वॉर है ना वो क्वीन के सामने इसका नो का रिलेशन है, इसके अंदर ही तो आ रहा है ये वाला पार्ट म्यूजिक का, म्यूजिक वाला पार्ट भी क्यू का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन विल बी राइट,
सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, यानी कह रहा है कुछ जो वॉर का पार्ट है, सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, कुछ वॉर का जो पार्ट है वो फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है। ये तो सही है, लेकिन ये कह रहा है सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, कुछ वॉर, सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, यानी कि एकदम ठीक है। ऐसा क्यों? सम वॉर यानी कि ये जो कुछ वॉर का पार्ट है कौन, म्यूजिक, ये फॉरेस्ट के बीच में इसका नो का रिलेशन है। कह रहा है सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, ये एकदम ठीक है, क्योंकि तो वॉर किसके अंदर आ रहा है, जो म्यूजिक है किसके अंदर आ रहा है, वॉर के अंदर, और म्यूजिक और फॉरेस्ट के बीच में नो का रिलेशन है। दैट्स वाई सम वॉर दैट इज म्यूजिक विच इज नॉट फॉरेस्ट विच विल बी राइट, यानी कि दोनों कंक्लूजन एकदम ठीक हैं, बोथ दी कंक्लूजन यानी कि वन एंड टू विल बी फॉलोड। ऑप्शन नंबर सी क्यों कह रहे हो भाई, आइदर वन और टू। आइदर और का केस तब बनता है जब कंडीशन होती है, जब सारे के सारे जो कंक्लूजन्स हैं आपके, दोनों कंक्लूजन्स हैं जब गलत होते हैं। अगर दोनों में से एक भी कंक्लूजन सही है तब आइदर और का केस बन ही नहीं सकता। आइदर और के केस को बनने के लिए दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए और दोनों के जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो भी सेम होने चाहिए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या मैं कह रहा हूँ, बट इस वाले केस में दोनों कंक्लूजन ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम जीनियस आर क्रेजी, ऑल क्रेजी आर मैड, सम मैड आर सुपर हीरो। एनीवन, ऑप्शन सी यानी कि आइदर कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। ऑप्शन ए ओनली वन विल फॉलो, ठीक है अभी देखते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दी वेन डायग्राम फॉर दिस। कह रहा है सम जीनियस आर क्रेजी, यानी कुछ जो जीनियस है वो क्रेजी का पार्ट होगा। सम जीनियस आर क्रेजी, ऑल क्रेजी आर मैड, ऑल क्रेजी आर मैड यानी कि सारे का सारे जो क्रेजी का पार्ट है मैड के अंदर आएगा। सम मैड आर सुपर हीरो, सम मैड आर सुपर हीरो, इस तरह से। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, कह रहा है सम मैड आर नॉट जीनियस, कुछ जो मैड का पार्ट है वो जीनियस का पार्ट नहीं होगा, कुछ मैड का पार्ट जीनियस का पार्ट नहीं होगा। देखो एक बात यहाँ पे आप जान लो कि जब भी हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो उसका जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं हो सकता, तो इस बात को आप जान लो। तो आंख बंद करके कंक्लूजन नंबर वन गलत हो जाएगा, ठीक है। सम मैड आर नॉट जीनियस, कुछ मैड का पार्ट जीनियस का पार्ट नहीं है, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे स्टेटमेंट थे सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होगा। ऑल मैड आर जीनियस,
सारा का सारा मैड जीनियस के अंदर आएगा भाई, ऐसा भी हमको नहीं दिख रहा है। अगर सम मैड आर जीनियस बोलता तो वो ठीक होता, लेकिन ऑल मैड आर जीनियस दैट विल बी अगेन रॉन्ग। यानी कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हैं, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आइदर और वाला भी केस दे रखा है, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि दोनों चीज़ें, इस सब्जेक्ट इस प्रेडिकेट, इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पे बात हो रही मैड और जीनियस की, और यहाँ भी बात हो रही मैड और जीनियस की, तो कंक्लूजन पहले बात तो है रॉन्ग होने चाहिए दोनों, और दोनों में जो वर्ड यूज हो रहे हैं मैड और जीनियस वो दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो एक एक करके देखोगे, यहाँ पे है सम मैड आर नॉट जीनियस, यानी कुछ मैड का पास जीनियस नहीं होगा। फिर कह रहा है ऑल मैड आर जीनियस, यानी कि सारा का सारा मैड जीनियस होगा। अब भाई दोनों में से कुछ एक ही तो बात सही होगी, यानी कि दोनों में से एक ही बात हमारी सही होगी, एक बात हमारी गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ गलत है, अगर ये वाली चीज़ गलत है कि कुछ जो मैड का पार्ट है वो जीनियस का पार्ट नहीं है, सम मैड आर नॉट जीनियस, कुछ मैड का पार्ट जीनियस नहीं है, अगर ये बात सही है तो फिर ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। अगर ये बात ठीक है तो ये वाला कंक्लूजन ठीक है कि सारा का सारा मैड जीनियस के अंदर होगा, ऑल मैड आर जीनियस, तो भाई सम मैड आर नॉट जीनियस ये तो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों में से एक ही कंक्लूजन राइट होगा, दिस इज कॉल्ड आइदर और केस, तो दिस विल बी राइट, दिस इज आइदर और केस, ठीक है, नॉट ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो आइदर और का केस तब बनता है जब यहाँ पे एक बनता है सम नॉट का केस, सम नॉट का केस बनता है जब ऑल का केस बनता है। एक केस बनेगा सम नॉट, यानी कि इसमें आएगा सम नॉट, और एक बनेगा ऑल, देन यू विल हैव आइदर और केस। राइट, दोनों जो हमारे कंक्लूजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको गलत मानोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ खुद ही सही हो जाएगी। ये ऐसी बात हो गई जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ एक कॉइन को मैंने टॉस किया है, पहला कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि हेड आया है, दूसरा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ मैं टेल्स आया है, भाई पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो यानी कि अगर पहला स्टेटमेंट गलत कहोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी सही हो जाएगा। अगर पहले वाले में हेड नहीं आया होगा तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, टेल्स आया होगा, अगर फिर टेल्स नहीं आया तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, हेड होगा, यानी कि आइदर वन और टू, ऐसा वाला केस बन रहा है, दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि फिर आप इसको ऑप्शन नंबर डी कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें देखो क्या आइदर और का केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो उसका आंसर फिर क्या होगा, करिए इसको। अगर यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, तभी ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी।
एनीवन बताइए भाई। नो आईज आर ब्यूटीफुल, नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, ऑल सॉफ्ट आर डॉग। वेन डायग्राम बनाओ पहले तो। नो आईज इज ब्यूटीफुल, नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, ऑल सॉफ्ट आर डॉग। ऑल सॉफ्ट आर डॉग, जो भी सॉफ्ट है वो डॉग का पार्ट होगा, यानी कि इस तरह से कंक्लूजन क्या कर रहा है, नाइदर ए नॉर बी आ रहा है। अभी देख लेते हैं। सम डॉग आर आइस, यानी कि कुछ जो डॉग हैं वो किसका पार्ट है, आइस का पार्ट। सम डॉग आर आइस, भाई कुछ डॉग का पार्ट आइस का पार्ट तो हम डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये जो कंक्लूजन है दैट विल बी रॉन्ग। सम डॉग्स आर आइस, इसके बीच में कोई भी रिलेशन हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। अगर ये बोलता सम डॉग्स आर नॉट आइस, तब भी हमको नहीं पता भाई नो का रिलेशन है कि नहीं। डॉग और आई के बीच में जो भी रिलेशन है, सम का, नॉट का, नो का, नॉट का, वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया। जिसके बारे में आइडिया नहीं है तो देट विल ऑलवेज बी रॉन्ग। ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, सारा का सारा जो डॉग है वो सॉफ्ट का पार्ट है क्या? ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, ये भी गलत है। सारा का सारा डॉग सॉफ्ट का पार्ट नहीं है, कुछ डॉग का पार्ट सॉफ्ट का पार्ट है लेकिन ऑल नहीं। ये बाकी का जो बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये सॉफ्ट के अंदर थोड़ी है, दिस विल बी रॉन्ग। अब देखो अगर दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हैं, एक बार चेक कर लो क्या यहाँ पे आइदर और का केस तो नहीं बन रहा है। डॉग्स आइस, डॉग्स सॉफ्ट, भाई यहाँ पे तो नहीं बनेगा क्योंकि दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। मैंने बोला डॉग्स और आइस, डॉग्स और सॉफ्ट, यानी कि दिस विल बी रॉन्ग। यानी कि बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, आइदर कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। तो यहाँ पे लगता है हमें ऑप्शंस में ही कोई मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन में कोई मिस्टेक है भाई। हाँ वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि बोथ कंक्लूजन वन एंड टू विल फॉलो, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इस ऑप्शन को सही कर लो। बात समझ में आ गई ना? ऑप्शन विल बी बोथ द कंक्लूजन विल नॉट फॉलो, यानी कि दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है, ऑप्शंस में ही मिस्टेक है वो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू विल नॉट फॉलो, यानी कि नन विल फॉलो। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, करिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है यहाँ पे, आइदर और का केस बन रहा है क्या, या दोनों कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन सी, यानी कि आइदर वन और टू विल फॉलो। चलिए ठीक
सम ग्राफ आर फिश, सम ग्राफ आर फिश, सम फिश आर स्पैरो, सम स्पैरो आर ईगल, ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। नाउ सम फिश आर ईगल, सम फिश आर ईगल, कुछ फिश का पार्ट ईगल का पार्ट है क्या? गलत, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना इनडायरेक्ट। नो ईगल इज फिश, नो ईगल इज फिश, कोई भी ईगल फिश नहीं है, नो ईगल विल बी फिश, ये भी गलत है। भाई दोनों अगर गलत है तो यानी कि दोनों का गलत है यानी कि नाइदर वाला तो ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं आइदर और होना चाहिए फिर तो। इसका मतलब कभी एग्जाम में ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें दोनों कंक्लूजन आपके इनवैलिड हो, आपको सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी पे लगा देना है आंसर, क्योंकि नाइदर वाला तो है ही नहीं। सम फिश आर ईगल, कुछ फिश ईगल होंगी या कोई भी ईगल फिश नहीं होगी, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। अगर कुछ फिश ईगल का पार्ट है तो ऑटोमेटिकली जो नो ईगल फिश ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली कुछ फिश का पार्ट ईगल का पार्ट हो जाएगा तो कोई भी ईगल फिश का पार्ट नहीं होगी, कह रहा है कि कोई भी ईगल फिश का पार्ट नहीं होगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ईगल का पार्ट फिश का पार्ट हो चुका है, तो नो वाला तो केस गलत हो जाएगा। अगर ये चीज़ ठीक है कि कोई भी ईगल का पार्ट फिश का पार्ट नहीं हो सकता तो कुछ फिश ईगल फिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो इसके बीच में नो का रिलेशन हो गया। अगर ये ठीक है तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दिस विल बी आइदर और केस, दिस विल बी आइदर और केस, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना? चलो तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उनको करना जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। जैसे कि एक ये सवाल, दिस इज फॉर योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, इसको करना। और ये जो आप लोग क्वेश्चन कह रहे थे अभी कैन वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसको ट्राई करना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में कि कैन वाले सवाल को किस तरह से किया जाता है, जिसमें पॉसिबल यहाँ पे पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू फॉर योर होमवर्क, बस इन दो क्वेश्चन को ट्राई करना, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। और खुद की तरफ से भी आप लोग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच। एग्जाम का डेट आ चुका है, जितने भी नए स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ तो उनको मैं बता दूं कि सीएसआई नेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, तो आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है अभी से करना शुरू कर दो, तभी जाके आप एग्ज़ाम तक यानी 26-27 तक, दिसंबर तक आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ऑल राइट।